हाय फ्रेंड्स, मैं राजदीप सोनी, आप देख रहे हैं राजदीप टेक्निकल। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी के भी फोटो का ड्रेस कैसे चेंज करें। तो पहले तो हम अपने ड्रेस को ओपन करेंगे, फिर उसको कटिंग कर लेंगे। तो हम पी टूल से कटिंग करेंगे। हम अब स्टार्ट, हाँ आप पी टूल से हम कटिंग करेंगे। जिस तरह हम कर रहे हैं उस तरह आप भी करिए। अब इसको हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर से सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल आल्ट डी से इसको फिदर दे देंगे हम। फिर इसको कंट्रोल कॉपी कर लेंगे, फिर कंट्रोल न्यू पेपर में हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसका रेगुलेशन थोड़ा बढ़ा लें हम। अब इसको इसमें हमको फोटो पेस्ट कर देना है। अब कंट्रोल टी से इसको बड़ा कर लेना हमें। बड़ा हो गया। अब हमें इस फोटो को सेव कर लेना है। फोटो हाँ सेव हो गया फोटो। अब हमें वही फोटो खोलना है जिसका चेहरा हमें इस फोटो पे सेट करना है। तो दोस्तों हम उस फोटो को अभी आपके सामने लाते हैं। ये रहा हमारा फोटो। अब इसको उसी तरह पहले की तरह इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले तो हमें इसका लाइट ब्राइटनेस ये सब हमें सही कर लेना है। फिर इसको पी टूल से उसी तरह हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमने पी टूल से कटिंग कर लेना है। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। ये हमने इसको कटिंग कर लिया। फिर देखिए फिर कल न्यू पेपर में हमें ले लेना है। अब इससे हमें जो करेक्शन करना है लाइट ब्राइटनेस ये सब हमें कर लेना है अपने आप। ये तो जनरली पता होता है अधिकतर लोगों को। अगर नहीं पता है तो उसका हम आगे वीडियो बना देंगे। अब इसको मैं एस टूल से इसको थोड़ा बहुत फिनिशिंग, जैसे जहाँ पे हल्का इधर काला दिख रहा है तो इससे हमें फिनिशिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ हमें दाना दाना दिखे उस वहाँ पर हमें फिनिशिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें माथे के किनारे किनारे कलर दिख रहा है, इसलिए हम ओ टू से इसको हम वाइट थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे। अब ये गला सेट करने के लिए तैयार है। अब हमें वो फोटो खोलना है जिसपे हमें इसका गला सेट करना है। तो हमने वो फोटो सेव कर ली थी, इसलिए हमें अब यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। इसको कंट्रोल टी से छोटा कर लेंगे। अभी फोटो को मुंह पर लाएंगे। पहले हम फोटो को सेव करने से लाइट वाइट चली जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, पूरा पूरा टोटल रील गलत हो जाता है। तो सेव हो गई फाइल, हमने इसको ऊपर लाकर अब इसको छोटा करके उसको सेट करेंगे हम। थोड़ा छोटा कर लें और अब इसको हम नंबर से इसको हल्का कर लेते हैं ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब अपने हिसाब से इसको हम सेट कर लेंगे। फिर इसको इससे बैकग्राउंड जो जिसका ड्रेस है उसका हम कलर गायब कर देंगे। चल दे गायब हो जा चलट। अब हम उस गले को इसको थोड़ा पीछे कर दें, ये आगे लग रहा है इसको पीछे कर देते हैं। अब ये सही लग रहा है लेकिन अभी भी किनारे किनारे कोर पे छोटा छोटा लग रहा है। अब इसको हमें सेट करना होगा, थोड़ा बड़ा कर लें। अभी भी नहीं सही हो रहा तो अब इससे किनारे किनारे जो छोटा है उसको हम सही कर लेंगे। एस टूल से हम सही करेंगे। अब थोड़ा सही लग रहा है। अब हमने इसको सब कुछ सही लग रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस कर लेंगे। ओके अब इसको अब सही लग रहा है। अब इसको हम लॉक कर लेंगे। अब ये लॉक हो गया है। अब हम कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड लेने के लिए आप कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं। अब हमें जहाँ पर आपका बैकग्राउंड होगा वहाँ से आप बैकग्राउंड ओपन कर लीजिए। अब इसको हम बैकग्राउंड पेस्ट कर देंगे।
अब उसी प्रकार फोटो ऊपर ले आएंगे, फिर इसको M टूल से आधा क्रॉप कर लेंगे, अभी तो इसको हटाना है, फिर हाँ डबल हो गया। तो हम कोई क्लिप लेंगे जिसमें हम उसको फोटो डालना है, ऐसे हम दिल ले ले रहे हैं, अब ये दिल हमने ले लिया, इसको थोड़ा तिरछा करें, अब डब्लू से हम इसको डब्लू से सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें, और फिर इसे हमें किधर हमें देना है पांच कंट्रोल, ऑलरेडी इसे हम किधर देते हैं, इसे हमने पांच किधर दे दिया है, फिर कंट्रोल से तो वी से इसे हम पेस्ट करेंगे, फिर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। अब हमारा फोटो देख रहे होंगे कि आप अधिकतर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम सेव कर रहे हैं, ओके हमारा फोटो सेव हो गया है। दोस्तों इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर कर रहे हैं।